CSS के अंदर बॉर्डर को कर्व कैसे करें, और चारों तरफ से कर्व हो गया लेकिन मुझे एक तरफ से कर्व चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और बॉर्डर का स्टाइलिंग, बॉर्डर के कलर और बॉर्डर की विड्थ कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर उसको देखने के बाद देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉर्डर्स की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कर्व बनाएंगे, ओके कर्व। बहुत बदतमीज हो तुम लोग। सो गाइस, अब हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, ओके डिव वन, और यहाँ पे हम इंटरनल स्टाइल शीट करते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो मैं यहाँ पे डॉट डिव वन कर लेता हूँ, एंड इसकी हाइट 200 पिक्सल, ओके, एंड विड्थ भी कर लेते हैं 300 पिक्सल, ओके, एंड बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 10 दे देते हैं, 10 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो लुक एट दिस, हमारे पास ये बॉर्डर आ गया है। तो गाइस, अब इसके अंदर हम कर्व करते हैं। कर्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर डैश रेडियस। ठीक है, तो बॉर्डर का रेडियस कितना करें, जितना आप रेडियस करेंगे उतना इसका कर्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, मैंने 10 पिक्सल कर्व करा, और यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, सारे एकदम बिल्कुल शार्प कॉर्नर से। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं बड़ा कर देता हूँ, लुक एट दिस, ठीक है, बिल्कुल शार्प कॉर्नर्स हैं। और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, और मैं यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ, तो लुक एट दिस, ये थोड़े से कॉर्नर कर्व हो चुके हैं। अब ये 10 पिक्सल है, अब मैं देखो इसको 50 पिक्सल करके दिखाता हूँ आपको। सेव करा, रिफ्रेश करा, तो लुक एट दिस, ये एकदम कर्व हो चुके हैं। लेकिन यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं होती है, राइट, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखना है कर्व के अंदर। अब क्या है, कैसे करेंगे, लेट्स डू इट। ठीक है, अब मैं एक और डिव बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, डिव टू। ऑलराइट, मैंने डिव टू बनाया, और यहाँ पे मैंने इसकी पूरी प्रॉपर्टीज कॉपी कर ली, ओके, यहाँ पे मैं डिव टू कर देता हूँ। ऑलराइट, सो गाइस, यहाँ पे मैं डिव टू के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 पिक्सल, ओके, और यहाँ पे डबल, ओके, तो मुझे, जैसा कि आपको पता है मुझे डबल पसंद है, और मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ ब्लू वॉलेट, ओके, और यहाँ पे सेमी कॉलन, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो लुक एट दिस, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है सेम। ऑलराइट, तो अभी मैंने क्या कर रखा है, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल दे रखा है इसको। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डिव है वो एक तरफ से बिल्कुल कर्व्ड रहे और उसकी अपोजिट साइड से बिल्कुल शार्प रहे, तो ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे, ऐसे ही नहीं होगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। क्या करना पड़ेगा, तो लेट्स डू इट। ठीक है, अब मैं 50 पिक्सल लिखा हुआ है, उसके बाद स्पेस जीरो, उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा 50 पिक्सल यूज़ कर देता हूँ, एंड उसके बाद जीरो, राइट, मैं सेव करूँगा, लेकिन इसका आउटपुट नहीं दिखा रहा मैं अभी। पहले ही चीज़ समझो, ये क्या करा है मैंने, जैसे कि बॉर्डर वाली लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे चलते हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है, तो वैसे ही। तो गाइज, आप देखेंगे टॉप कॉर्नर से स्टार्ट होगा, और मैं इसे सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो लुक एट दिस, टॉप कॉर्नर से स्टार्ट हुआ, फिर बिल्कुल शार्प, फिर इधर से कर्व्ड हुआ, एंड बिल्कुल शार्प, एंड लुक एट दिस, इसकी कितनी अच्छी शेप आ रही है, डबल के अंदर कलर भी अच्छा है, एंड देख लीजिए आप इसका कर्व कितना अच्छा आ रहा है। तो अगर आपको डिव के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर या किसी भी सेक्शन के अंदर ऐसा डिज़ाइन चाहिए, तो आप बॉर्डर रेडियस का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको सर्कल बनाना हो तो क्या करोगे, सर्कल भी बनाते हैं यार, तो सर्कल बना के देखते हैं सर्कल कैसे बनेगा। ऑलराइट, तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूं, एक और डिव ले लेता हूं मैं, तो गाइज मैं यहां पे इसको डिव थ्री कर देता हूं, ओके, मैंने डिव थ्री किया यहां पे, और सेम मैं प्रॉपर्टीज एक बार कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं, और यहां पे डिव थ्री कर देते हैं हम इसको। ऑलराइट, थोड़ा सा नीचे चलते हैं क्योंकि हमें डिव थ्री के अंदर काम करना है। तो अभी मैं फिलहाल सारे प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं हाइट और विड्थ सेम कर देता हूँ, बिकॉज अगर आपको सर्कल प्रॉपर बनाना है तो आपकी डिव की हाइट एंड विड्थ प्रॉपर होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल मैंने हाइट और विड्थ सेम सेम कर दी है, एंड इसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने बॉर्डर, ऑलराइट, यहाँ पे लिखा मैंने 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ओके, यहाँ पे मैंने सेव करा,
रिफ्रेश करा तो लुक एट दिस, हमारा ये एक डिव आ गया है। ओके, मैं 5 पिक्सल की जगह इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। सेव करा, रिफ्रेश करा तो लुक एट दिस, ये हमारा डिव आ गया है। अब इसको सर्कल में कन्वर्ट करेंगे। सर्कल में कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में गया, यहाँ पे लिखा मैंने बॉर्डर रेडियस। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको 50 पिक्सल देके देखा पहले कि 50 पिक्सल से देखते हैं कि कैसा लग रहा है। रिफ्रेश करा तो लुक एट दिस, 50 पिक्सल के साथ ऐसा लग रहा है। तो मैं इसको एक बार 100 पिक्सल करके देखता हूँ तो लुक एट दिस, ये धीरे धीरे कर्व होता चला जाएगा, लुक एट दिस। ठीक है, अब देखो मैं इसको 200 करता हूँ, रिफ्रेश, तो लुक एट दिस, ये बिल्कुल सर्कल बन गया है, एक गोला बन गया है, हम दूसरे गोला से आए हैं। अच्छा, सो आप इस तरीके से बॉर्डर रेडियस का यूज कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज इसको शेयर करा करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि और लोगों को भी वैल्यू मिले और आपकी भी वैल्यू बढ़े। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्किल अप योरसेल्फ विद टेक्नोब्रेन्स।